हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनडीटी मेथड के एप्लीकेशंस के बारे में। एनडीटी मेथड जो एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि एनडीटी मेथड का एडवांटेज क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप 10 पॉइंट रखिए कि इसके एडवांटेज एनडीटी मेथड का एडवांटेज 10 पॉइंट्स में है। तो 10 पॉइंट्स को कैसे याद करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से आप एक एक पॉइंट को भी दो दो तीन तीन लाइन बना के लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इट इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या करता है, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को बनाए रखता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या देखते हैं, टाइम एंड मनी सेविंग, समय बचाता है और पैसा भी बचाता है ये, क्योंकि एनडीटी मेथड कैसा मेथड होता है, बहुत ही फास्ट मेथड होता है। तो जल्दी जल्दी इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमारा क्या करता है, ये टाइम भी कम लगता है और पैसा भी हमारा कम खर्च होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट हम याद करेंगे, फास्ट मेथड। ये तो हम जानते ही हैं कि एनडीटी मेथड जो होता है वो बहुत ही फास्ट मेथड होता है, बहुत ही मतलब रैपिड तरीके से हम इसे करके परफॉर्म बहुत जल्दी तुरंत इसका रिजल्ट हम सी कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब हम एनडीटी मेथड परफॉर्म जल्दी जल्दी करेंगे, पैसा भी कम लगेगा और जल्दी जल्दी हम अपने प्रोडक्ट को बना के उसको क्वालिफाई कर देंगे, तो हमारे कस्टमर जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो वही दिया हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर जो होगा वो सेटिस्फाई होगा, हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर कहीं जा रहा है वो प्रोडक्ट को, हम जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट टूट नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही होगा। पांचवा पॉइंट है क्या, प्रिवेंट एक्सीडेंट। अब एनडीटी मेथड में क्या है भाई, प्रिंट लेकर के, डेवलपर लेकर के, ये सब चीजों का यूज करके हम एनडीटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट कम होता है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एंड लेबर कॉस्ट रिड्यूसेस। ये इसी में आ जाता है, टाइम एंड मनी सेविंग में ही आ जाएगा ये, कि देखिए प्रोडक्शन का कॉस्ट, इंस्पेक्शन का कॉस्ट, कि प्रोडक्शन इंस्पेक्शन एंड लेबर कॉस्ट जो लगेगा वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब सातवां पॉइंट हम देखते हैं क्या है, मेंटेन अ यूनिफॉर्म क्वालिटी लेवल। अब देखिए एनडीटी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो हमें इससे क्या हो जाता है कि सेम क्वालिटी लेवल, इस क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, वो सेम क्वालिटी लेवल हमें इसके थ्रू हमें मिल जाता है, ठीक। तो ये हमें सातवां पॉइंट याद रखना है। आठवां पॉइंट, प्रोडक्ट डिमांड, ठीक, प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज, प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा। जब हम भाई बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं पार्ट्स, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नौवां पॉइंट हमारा क्या है, इजी मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग जो होगा बहुत ही इजी हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग आपको बताने की जरूरत है नहीं क्या होता है। दसवां पॉइंट, इजी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना इसका बहुत ही इजी होता है, हम आसानी से देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इसको कि इंस्पेक्शन इसका सही हुआ है कि नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस इसका थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये होता है इजी इंस्पेक्शन। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव मेथड में क्या होता है, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े मशीन भी लाने पड़ते हैं, जैसे कि टेंसाइल फोर्स लगाने के लिए, टेंसाइल टेस्टिंग करने के लिए मशीन लगाना पड़ता है हमें, बेंडिंग करने के लिए मशीन लगाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें हैवी मशीनें भी यूज करनी पड़ती हैं, जो कि डेंजरस भी होता है। लेकिन एनडीटी मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एडवांटेज, और अब हम बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में, कि इसमें लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन के बारे में, एनडीटी मेथड का लिमिटेशन क्या क्या है ये देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ही कम इसका लिमिटेशन है, काफी फायदेमंद मेथड है ये, एनडीटी मेथड है ऐसा हम जानते ही हैं, लेकिन इससे कुछ लिमिटेशन है, चलिए देखते हैं। इसके बेसिकली चार लिमिटेशन है, चार लिमिटेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो याद क्या रखना है हमें, एडवांटेज हमें पॉइंट में याद रखने हैं, एनडीटी मेथड के एडवांटेज 10 है, ठीक, और लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन 4 है, ठीक। ये ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आपको लिखना है, याद करना है कि आपको भूले ना, तो आप पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाएगा। चलिए पहला मैं लिमिटेशन बताता हूँ आपको, इट कैन ओनली डिटेक्ट डिफेक्ट ओपन टू सरफेस। अब देखिए एनडीटी मेथड में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट रहेगा ना, सरफेस के मतलब सरफेस से ओपन रहेगा वो डिफेक्ट। अगर मान लीजिए कोई ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है,
तो ये मार्कर के अगर अंदर ये बीच में अगर कोई डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट वो क्रैक ऊपर तक नहीं आया है ठीक, तो एनटीटी मेथड से हम उसे पता नहीं लगा सकते हैं। अगर इसमें कोई छेद है ठीक, अंदर तक कोरोसिटी अगर गई है, ये अंदर तक क्रैक इसका हुआ है लेकिन वो क्रैक बाहर निकल आया है, अगर मतलब बाहर से वो बाहर ओपन टू सर्फेस है, सर्फेस पे भी उसका क्रैक है, तो वो मेथड हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पर डेवलपर या फिर कोई भी कलर जो अप्लाई करेंगे, हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो उसमें भरने के लिए वो जगह चाहिए, लेकिन ऊपर अगर कोई क्रैक नहीं रहेगा, ऊपर वो डिफेक्ट का ओपन नहीं रहेगा, तो उस पर हम कोई भी कलर फिल ही नहीं कर सकते हैं, तो वो मेथड हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन ये है कि ये केवल सर्फेस पे जो ओपन रहेगा डिफेक्ट, उसी को हम पता लगा पाएंगे। दूसरा बात हम करते हैं, Not performed at painted object. Painted object पे हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा, प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ये देखिए थोड़ा सा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा मतलब ये वाला नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, बुक में दिया है तो लिख दिया है। प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। जब जैसे कि कोई हम एनटीटी मेथड परफॉर्म करने वाले हैं, मान लीजिए लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट करने वाले हैं, तो उसपे हम उस ऑब्जेक्ट को जिसपे हम टेस्ट करेंगे उसको पहले हम क्लीन करेंगे, पेंट वेंट अगर रहेगा उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो बताया है कि थोड़ा सा टाइम लेता है और कॉस्टली थोड़ा सा होता है। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ कॉस्टली होता नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज सम टाइम डिफिकल्ट। हाँ, ये देखिए ये क्या होता है, देखिए कोई भी मेथड कोई भी टेस्टिंग है वो 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, ये तो हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो यही चीज का आया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एनटीटी मेथड हम परफॉर्म तो कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसे एज्यूम करना थोड़ा सा, उसको आइडेंटिफाई करना कि मतलब हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम उसे आइडेंटिफाई थोड़ा नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशन 4 में बता दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे एनटीटी के एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, तो फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो, इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम देखते हैं आगे का टॉपिक।